महाशिवरात्रि की पूजा की सही विधि क्या है अब मैं आपको ये बताऊंगी। सुबह घर पर अच्छी तरह सफाई के बाद पानी में काले तिल डालकर नहाएं, माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाएं और रुद्राक्ष की माला अगर है तो पहने। मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, फूल, बेलपत्र और साथ साथ बेर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल अभिषेक से पहले श्री गणेश की आराधना करें, फिर शिव परिवार के इन सब लोगों को आप प्रणाम करें जो शिव परिवार में नंदी हैं, गणेश जी हैं, पार्वती माँ हैं, कार्तिकेय हैं। फिर इस सब को प्रणाम करने के बाद कार्तिकेय, नंदी, वीरभद्र, कुबेर, कार्तिक मुख, पार्वती माँ, सर्पराज, इन सब के बाद ही शिव जी की आपको पूजा करनी है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अब क्या करें आपको बताती हूँ। आप शिवलिंग पर गन्ने का रस भी चढ़ा सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप होता है धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी के हाथ में ना इसे गन्ने का वो शुगर केन का फ्रूट होता है, तो बेसिकली जब आप गन्ने का जूस शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो ये आपके फाइनेंशियल गेन्स के लिए हेल्पफुल होता है। आप इसके बदले शहद भी चढ़ा सकते हैं अगर शुगर केन जूस नहीं मिल रहा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और मोक्ष मतलब जो करंट सिचुएशन में अटके हुए हैं ना उसको दूर करने के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए गंगा जल या किसी भी तीर्थ नदी का जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएं लगातार। अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, हेल्थ में दिक्कत आ रही है तो आप शीतल जल की एक धारा शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर बॉडी टेम्परेचर बीपी हाई रहता है तब भी ये कर सकते हैं। दुश्मन बहुत हैं आपके, इससे छुटकारा पाने के लिए सरसों का तेल शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। लंबी उम्र होने के लिए गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। मनोकामना पूरी करने के लिए दूध, मक्खन, घी, चीनी मिलाकर आपको चढ़ाना चाहिए।